तो गाइस यार, जैसे कि आपको पता होगा मैं यहाँ पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, अगर आपको नहीं पता तो पहले मैं आपको ये भी बता दूँ कि हमारा जो मेन चैनल था वीडियो आर्ट अमन, वो करंटली डिलीट हो चुका है यूट्यूब से, ठीक है ना। अभी वो डिलीट क्यों हुआ वो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, एंड इसके साथ बताऊंगा कि भाई यार मैं डेली का डेली वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था, ठीक है ना। तो सारा कुछ आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल बताने वाला। तो गाइस सीन ये हुआ कि जैसे कि आपको पता होगा मैंने अपने मेन चैनल पर कुछ दिन पहले जब वीडियो डाला था ना, मतलब कि जब गेम का अपडेट आया था, जैसे आप लोगों को पता होगा तो गेम का अपडेट जिस दिन आया था तो उस दिन मैंने एक वीडियो डाला था कि गेम क्यों नहीं चल रहा, ठीक है ना। और उससे पहले मैंने क्या किया था कि मेरे चैनल जितने भी वीडियोस थी मैंने सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया था, ठीक है। अब वो क्यों मैंने डिलीट किया था, इसलिए डिलीट किया था क्योंकि मेरे चैनल पे आ गए थे दो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। पहले एक स्ट्राइक आया तो उसके 7 दिन बाद एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, ठीक है ना। उस दिन मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके रात को फिर एक और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, जिस स्ट्राइक के कारण से मैंने यहाँ पे 2 वीक तक वीडियो अपलोडिंग बंद हो गया था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि भाई यार मैं, आप लोग पहले जानते ही होंगे मेरे बारे में कि भाई मैं दिन में 3 नहीं तो 4 वीडियो डालता था इस चैनल पर, फिर अपने सेकंड चैनल पर डालता था, यानी कि इस चैनल पर करंट में मतलब मेन चैनल पर, फिर सेकंड चैनल पर, उसके बाद फिर भाई बीच में पढ़ाई, मतलब 3 नहीं तो 4 मेन चैनल पर, फिर 3 वीडियो इस सेकंड चैनल पे, फिर उसके फिर भाई बीच में पढ़ाई वढ़ाई जो होती है ना, तो वो मतलब दिन भर भाई मैं मेहनत करता रहता था। मैं सोचता था कि मैं भाई, मैं सच बताऊँ तो मेरा ड्रीम था 1 मिलियन का, ठीक है ना, मैं 1 मिलियन करना चाहता था। लेकिन सीन ये हुआ कि बीच में पता नहीं क्या हो गया कि मेरा जब स्ट्राइक आया ना, तो स्ट्राइक के बाद ना मैंने एक क्या किया कि अप्रूव लिखा, ठीक है ना, यूट्यूब को मैंने एक अप्रूव करके कुछ भेजा कि इसमें मेरा, जैसे कि अगर देखो आपको अगर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाए तो नीचे एक अप्रूव का ऑप्शन आता है, उसमें मैंने यहाँ पर क्या किया कि अपने दोनों जो गाइडलाइन स्ट्राइक थी दोनों का अप्रूव भेजा यूट्यूब को, तो यूट्यूब ने क्या किया कि उनमें से ना एक वीडियो डिलीट, मतलब कि एक स्ट्राइक को रिमूव कर दिया। वो कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मैंने को बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स थे तो सबने मेरे को बोला कि आपके भाई चैनल पे जितने भी वीडियो है सबको डिलीट कर दो, क्योंकि फिर आपके चैनल पे 3री स्ट्राइक आ जाएगी जिसके कारण से आपका करंटली परमानेंटली चैनल डिलीट हो जाएगा। आप क्या करो कि जितने भी वीडियो है सारे डिलीट कर दो। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में गया, भाई कैसे डिलीट कर सकता हूँ ऐसा। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने क्या किया कि चलो सारा वीडियो डिलीट कर दें। तो सारे वीडियो डिलीट करने के बाद उसके 24 घंटे बाद मेरा एक स्ट्राइक जो वो हट गया, ठीक है, जो मेरे को चैनल पे 2 स्ट्राइक पड़े थे तो 2 स्ट्राइक के बजाय एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट गया। तो भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि भाई अब अपने चैनल पे सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्राइक है। उसके बाद क्या हुआ कि अपना ओबी का अपडेट आ गया, तो ओबी का अपडेट आने के बाद मैंने क्या किया कि ओबी वाले अपडेट वाले दिन मैंने एक वीडियो डाला, तो भाई मेरी बहुत अच्छी चली। फिर उसका सेकंड वीडियो डाला, उसमें भी बहुत अच्छा चला। ऐसे कर करके मैंने 5 वीडियो डाले तो भाई 5ों में लाखों व्यूज़ आए, मतलब मेरा चैनल मतलब लगभग बोला जाए तो उठ ही गया था। और वो मेरे चैनल का 1st 5 वीडियोज़ थे, मतलब 0 से स्टार्ट किया था, मतलब 0 वीडियो था तो 1st वो 5 वीडियोस थे जिसमें मैंने इतना ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने स्टार्ट कर दिए थे। तो मैंने कहा कि अब मैं बहुत ज़्यादा फिर से मेहनत करूँगा और अपने एक जो स्ट्राइक है उसके बाद फिर हटने देते उस स्ट्राइक को। वो हटने वाला था यहाँ पर 31 अक्टूबर को वो स्ट्राइक हट जाता, मतलब 31 अक्टूबर यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन वो स्ट्राइक भी हटने वाला था। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था भाई, यानी कि एक तरफ खुशी आएगी, एक तरफ जो दुख था, यानी कि हर तरफ से मेरे को खुशी ही मिलने वाली थी। तो मैं इतना ज़्यादा मैंने ये सोचा, लेकिन कैसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीनियर हो गया ना, उसके 7 दिन बाद, मतलब मैंने वीडियो अपलोडिंग किया, उस दिन वीडियो अच्छा चला, उसके भी भाई 24 घंटे बाद क्या हुआ ना, मतलब उसके 24 घंटे बाद चैनल जो मेरा डिलीट हो गया, मतलब यूट्यूब से रिमूव हो गया। मैंने एक इंक्यूबलेटर आया था, आपको याद होगा अपने अभी जो करंट में एक इंक्यूबलेटर चल रहा है ना, उस इंक्यूबलेटर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, ठीक है। उसके ऊपर जैसे वीडियो बनाया फिर एडिटिंग वगैरह करें, मैं अपलोड करने गया जहाँ पर मैं आता हूँ छत पर वीडियो अपलोडिंग करने के लिए, तो मैं वीडियो अपलोडिंग करने जैसे ही आया तो भाई मैं देख रहा हूँ मेरा चैनल ही नहीं है कहीं भी। फिर मैं अपना मेल चेक कर रहा हूँ, हर जगह चेक कर रहा हूँ, हर जगह मैं टेंशन में पूरा आ गया कि भाई मेरा चैनल कहाँ चला गया, हैक वैक तो नहीं हो गया, मतलब बिल्कुल मैं परेशान हो गया। चैनल ढूंढते ढूंढते कहीं भी मेरे को मेरा चैनल नहीं मिला। फिर मैं यूट्यूब पर सर्च किया तो मेरे को नहीं मिला यूट्यूब पर भी, तो मैं समझ गया कि भाई कुछ लोचा हो गया है। फिर मेरे को ध्यान से मैंने देखा तो यूट्यूब का एक मेल भी आ गया था, जिस मेल में लिखा था कि आपका चैनल यूट्यूब से रिमूव कर दिया गया, मैं आपको मेल भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं फिर से बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया, यानी कि फिर कुछ एक बड़ा यूट्यूबर है जिनका नाम SK गेमिंग जोन, आप लोग उन्हें जानते होंगे, तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने बोला कि भाई आप टेंशन मत, मेरे को अपने चैनल का ID पासवर्ड दो, मैं ठीक कर देता हूँ, मतलब मेरे गारंटी है कि चांसेस उन्होंने बताया था कितना चांस है कि आपका चैनल मैं वापस ला सकता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है भाई मैं आपको देता हूँ। तो उनको मैंने क्या कि आईडी पासवर्ड दे दिया, फिर मैंने उनको भी आईडी पासवर्ड दिया तो फिर भी उनसे भी कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कि वो भी परेशान, वो उन्होंने भी बहुत कुछ ट्राई किया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं तो भाई बिल्कुल कोई काम का ही नहीं बचा था क्योंकि मैं किसी
किसी से भी हेल्प मांग रहा था तो कोई भी किसी को कोई हेल्प का कोई आइडिया नहीं था भाई कैसे हेल्प कर सकते हैं। सब कह रहे थे कि एक बार ट्विटर पर ट्वीट करो, मैंने कहा ठीक है वो भी ट्राई करता हूँ। तो उससे पहले फिर मैंने जैसे ये सोचा तो उनमें से ना मैंने जब सबको बताया कि ऐसा प्रॉब्लम है तो उनमें से एक बंदा था गेम्स विथ शुभ, तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे पास एक बंदा है जिनका भी यहाँ पे आपके जैसा सेम सीन हुआ था। तो उन्होंने मेरे को बात कराया फिर एक बंदे से, उसका भी सेम सीन हुआ था। तो उन्होंने और यहाँ पे चार पांच यूट्यूबर थे हम लोग यहाँ पे कॉल पे, जिन्होंने मेरे को एक मेल लिखवाया। तो मैंने मेल लिखा और उस मेल को क्या किया कि मैंने यूट्यूब को भेज दिया, तो वो एक अलग ही से मेल का उनका रिप्लाई है। मैं खुश हो गया कि भाई लग रहा है आप चैनल में आ जाएगा मेरा। तो वो उनका रिप्लाई में ये लिखा था कि आपको हम लोग यहाँ पर 2 वीक के अंदर में रिप्लाई करते हैं कि आपका चैनल आएगा कि नहीं, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ था। मैं आपको मेल दिखा दे रहा हूँ, बहुत लंबा लिखा था। तो ये कुछ इस तरह का रिप्लाई में आया था, ठीक है ना। मैं तो कहा चलो ठीक है भाई, तो भाई मैं इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। मैंने कहा जब अपना चैनल आएगा उसी दिन हम लोग इस चैनल पे वीडियो अपलोड करेंगे और उस चैनल पे भी अपलोड करेंगे, मेन चैनल पे भी। तो एक तरफ से पूरा का पूरा मैं उदास था और एक तरफ से खुशी भी था। मतलब खुशी इसलिए था कि भाई मेरा चैनल आ जाएगा। लेकिन होते होते आज करंटली आज मतलब टुडे आज हम लोगों का क्या था कि दिन जो है डेट पूरा हो गया था। मतलब आज दिन भर में मैंने वेट किया कि भाई कब मेल आएगा कब मेल, लेकिन गाइज़र मेल एक बार भी नहीं आया। और मैंने सोचा कि अगर गाइज़र आज मेल आ जाता तो मेरा चैनल गारंटी वापस आ जाता गारंटी। तो ऐसा कुछ चांसेस था क्योंकि जिन्होंने मेरे को मेल लिखवाया था ना उन्होंने बोला था कि मैंने मेल लिखा था तो मेरे 24 घंटे में चैनल आ गया था। तो ऐसे ही कर करके भाई मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि भाई सबका आ गया मेरा क्यों नहीं आ रहा है। और आज देख लो भाई सीन क्या है, भाई दिन पूरा हो गया डेट पूरा हो गया लेकिन अभी तक मेरा चैनल वापस नहीं आया। पता नहीं भाई कौन सा बुरा सा आया कि नज़र वज़र लग गई ऐसा कुछ, मतलब क्या मैं बोलूँ, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरे को भी नहीं पता मैं कितने दिनों बाद वीडियो भी बना रहा हूँ। मतलब मैं बनाना तो नहीं चाहता था, इतना अंदर से डिमोटिवेट हो गया था, लेकिन आप लोगों के कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग बहुत ज़्यादा मेरे को भाई मैसेज कर रहे थे। तो अभी हम लोगों के यहाँ पर लास्ट एक चांस रह गया अपने चैनल को वापस लाने का, वो गाइस है हम लोगों के यहाँ पर रीट्वीट, ठीक है ना। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि आज मैं देख लेता हूँ, उसके बाद कल मॉर्निंग एक रीट्वीट का मैं लिंक बनाता हूं, ठीक है ना, रीट्वीट करने के लिए। और उस लिंक के लिए कल मैं वीडियो बनाऊंगा और बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अपने अपने वीडियो में बोल देंगे इस लिंक के बारे में कि जाओ इस लिंक पे रीट्वीट करो, ठीक है ना। तो आप सारे लोग क्या करना कि जाना रीट्वीट करना और उसके बाद यूट्यूब का वहां से रिप्लाई आता है और फिर उसके बाद देखते हो भाई क्या होता है। मतलब उसके बाद यहां पे बहुत सारे बंदों ने बोला कि अगर आप रीट्वीट करवाते हो ना तो आपका चैनल आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और आप लोगों से भी किसी को नॉलेज होगा तो ऐसा होता है रियलिटी में। और ऐसा मैंने किया, मैंने कहा चलो ठीक अब वो करेंगे कल, ठीक है। तो गाइस मैं कल वो करने वाला रीट्वीट और आप सब लोगों को रीट्वीट लिंक दूंगा। और सच बताओ तो भाई मैं इतना मतलब मोटिवेट होकर वीडियो बना रहा हूं अभी, मैंने कहा कि अब भाई कुछ मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि अगर मैं डिमोटिवेट हुआ तो भाई कोई फायदा नहीं। अभी इसलिए मैं मोटिवेट होकर पूरी तरह से वीडियो बना रहा हूं और आप लोगों का अब रेगुलर हो सके तो वीडियो देखने को मिलेगा, कंफर्म नहीं बता रहा क्योंकि मैं देखता हूं गाइस अब आप लोगों को मैं डेली देखने वीडियो देने की ट्राई करूंगा। तो बस गाइस यही सारा सीन हुआ था मेरे साथ जो मैंने आप लोगों के साथ पूरा का पूरा शेयर कर दिया। और आप लोगों को भाई मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई मेरे यहाँ पर कुछ फ्रेंड लोग थे, कुछ नहीं है मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड लोग थे जो इंस्टाग्राम पे कुछ टैग यूट्यूबर्स को टैग करके मेरा प्रॉब्लम बता रहे थे, बट सीन ही हुआ कि भाई उनका रिप्लाई भी नहीं आया। मतलब मैंने कहा कि भाई अगर रिप्लाई आ जाता तो वो लोग भी कुछ हेल्प कर देते, लेकिन घंटा भाई कोई भी हेल्प नहीं किया। सिर्फ ना ऐसे यूट्यूबर्स बोलते कि भाई आप मेरे को यहाँ पर मैसेज करो, आप मेरे को वहाँ मैसेज करो, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, घंटा भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो लोग सिर्फ अपना फॉलोवर्स बढ़वाने के लिए करते, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। और मेरा देख लो तो भाई मैं जितने भी बंदे मेरे को इंस्टाग्राम पर कहीं भी मैसेज करते तो मैं सबका रिप्लाई करता हूँ क्योंकि भाई वो लोग भी मेरी। तो चलो गाइस कल मैं आप यहाँ पे वीडियो डालता हूँ एंड उसके बाद देखता हूँ अगर रीट्वीट लिंक बनाया उसके बाद मैं आप लोगों को देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे फुल ट्राई करेंगे अपने चैनल को वापस आएंगे। तो चलो गाइस बस मेरे को इतना सही बताना था।